इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ग्लोबल मार्केट में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है और ऐसे में सभी दिग्गज कंपनियां नए मॉडल मार्केट में लॉन्च कर रही है और अब चीन की टॉप ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा भी इस रेस में कूद पड़ी है और एक पहिए वाली इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें अलीबाबा ग्रुप की एक पहिए वाली अजीबोगरीब बाइक ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और पहले एक पहिए वाली बाइक सिर्फ सर्कस में नजर आती थी, लेकिन अलीबाबा की ये पेशकश सड़कों पर दौड़ सकेगी। और साथ ही आपको बता दें कि अलीबाबा ने इस बाइक को खास तकनीक से बनाया है। कंपनी के अनुसार बाइक को चलाने यानी कि आगे बढ़ाने के लिए सामने की ओर झुकना पड़ता है और पीछे की ओर झुकने से बाइक की रफ्तार कम हो जाती है। इस बाइक में स्टील का ट्रेलिस फ्रेम और फॉक्स फ्यूल टैंक दिया गया है। ये फ्यूल टैंक डुकाटी मॉन्स्टर की डिजाइन से प्रेरित किया है और खास बात तो ये है कि बाइक में पिलियन रियर सीट भी दी गई है। हालांकि ये कितना कारगर है ये अब कहा नहीं जा सकता। और इस इलेक्ट्रिक बाइक में पैनासोनिक बैटरी का पैक मिलता है। कंपनी ने दावा किया है कि बाइक सिंगल चार्ज करने पर 100 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देने वाली है और इस बाइक को 3 से 12 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है और इस बाइक की इलेक्ट्रिक मोटर 2000 वॉट की पावर जनरेट करती है। इस बाइक की स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की होती है। ये बाइक दूसरे बाइक के मुकाबले काफी हल्की है और इसका वजन मात्र 40 किलोग्राम का है। अलीबाबा ने इस बाइक की एक शोरूम कीमत $1500 रुपए तय की है, जो कि भारतीय मुद्रा में अगर देखी जाए तो 1,34,000 रुपए होती है। कंपनी को इस बाइक की बेहतरीन सेल की उम्मीद है। तो दोस्तों, आपको ये बाइक कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की खबरें पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।